मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है। और उत्तर में बाबा समझाते कि जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुह पॉइंट्स सुनाते हैं, अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्य के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है, गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे, इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर हैं। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उसको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था, अभी बाप कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसी की बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी हैं, याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं कि अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं, पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे ज्वारों के महल थे, माल ठाल थे, अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो, कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है, दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन है, उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती तो वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता, परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है कि यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी
हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है, शिव जयंती की तैयारी करनी है। अब नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे, अच्छा भपका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। जब शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे, सेंटर्स में आपस में मिलेंगे, यहाँ तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन, शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे, ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं, तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है, सत्युग में तो आत्म अभिमानी है, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था, अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सत्यु के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे, अकी चार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृत्तांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है, ये खाना बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। क्या क्या पार्ट है, जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते, क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह थी एडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको ममा कहते थे, ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं, यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। यह गुह्य बातें हैं, तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो, बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे, यह भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है, तुम ये ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्थान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहां तत्व भी सत्वप्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है, स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आधि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती हैं, अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा,
रोज रोज बहुत गुहे पॉइंट्स निकलती हैं। यह है हीरे रत्न, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए, ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा, ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कि कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को ओना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं कि तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओ शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, वनवा में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा ने आज वरदान दिया कि महानता के साथ निर्मानता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। महानता के साथ निर्मानता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। महानता की निशानी निर्मानता है, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्मानता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उनको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदाई होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के भी मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का गीत कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ रे। तो अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं कि नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं कि प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है। जो उस पार अथवा इन पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा, तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी कि आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। और दूसरा है कि कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है।
अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि आपका जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। तो आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम देह से मुक्त थे। उनको कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो पांच विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रलब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।